नारियल तेल में सोने से पहले बस ये दो चीजें मिलाकर लगा लीजिए, पूरे शरीर का रंग बिल्कुल गोरा चमकदार हो जाएगा कि आप चौंक जाएंगे। कई बार उबटन भी हमारी स्किन पर रेडनेस कर देता है, बट ये जो रेमेडी है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये इतनी ज्यादा जबरदस्त है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, आपकी स्किन पर कभी रेडनेस नहीं करती, आपकी स्किन को हमेशा सॉफ्ट हेल्दी करके रखेगी, बिल्कुल नुकसान नहीं देगी आपको, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन ही क्यों ना हो, ये आपकी स्किन से कालेपन को रिड्यूस कर देगी। नारियल के तेल में अगर आप सोने से पहले ये दो चीजें मिलाकर अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो अगर आपकी त्वचा का कालापन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ये उसे कम कर देगी, टैनिंग को हटाएगी। धूप के कारण अगर आपकी त्वचा झुलस रही है, चमक बिल्कुल नहीं रही आपकी स्किन के अंदर, तो प्लीज इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नारियल तेल के अंदर कुछ चीजों को मिक्स करके एक ऐसा सोल्यूशन जो कि आपकी बॉडी को बिल्कुल एक स्पा की तरह, आपकी स्किन में चमक आ जाएगी, इतनी ज्यादा ये आपकी स्किन में क्लींजिंग का काम करेगा, इतनी ज्यादा अच्छे तरह से आपकी स्किन को क्लीन और क्लियर और सॉफ्ट स्मूथ बनाने का काम करेगा। मैं आपको बता देती हूँ अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं तो भी आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, आपको कुछ भी नुकसान दे जाता है, तो ये इतना नेचुरल है, आपकी स्किन को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगा, स्मूथ कर देगा, वाइटन कर देगा, बिल्कुल नेचुरल है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर बन जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिमाइंड दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आप एक बॉल ले लीजिए और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कैसे आपने सॉल्यूशन को बनाना है, कैसे तैयार करना है और फिर कैसे यूज करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको चाहिए नारियल का तेल। नारियल का तेल मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 स्पून, जैसे कि आप देख सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल, ये है हमारे पास नारियल तेल। अच्छा, अब नारियल के हमारी स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नारियल हमारी स्किन को हाइड्रेट तो करता ही है और जो कोकोनट ऑयल है ये हमारी स्किन में मॉइस्चराइजिंग का काफी अच्छी तरह से काम करे और साथ ही साथ ये स्किन के ग्लो को बढ़ाने में हेल्प करता है। देन मैंने यहाँ पे 1 स्पून ले लिया है ये कोकोनट ऑयल। दूसरा इन्ग्रीडियंट आपको चाहिए यहाँ पर कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क। कच्चा दूध हमारे स्किन पर क्लींजिंग का बहुत अच्छी तरह से काम करता है एंड आपने यहाँ पर कच्चे दूध का ही यूज करना है। कच्चा दूध क्लींजिंग के लिए इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि ये हमारी स्किन से डर्ट, पोल्यूशन और गंदगी को रिमूव करता है, टैनिंग को साफ करता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करता है। एंड हमने यहाँ पर ये 2 चम्मच कच्चा दूध ले लिया है। अभी हमने इसके अंदर ऐड करना है एलोवेरा जेल। गाइस मैं यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है देन आप वो भी यूज कर सकते हैं, और मैं अपने यहाँ पर सिंपली इसे बनाने के लिए यहाँ पर ये वाला एलोवेरा जेल ले रही हूँ। फ्रेंड्स आप मार्केट वाला या फिर नेचुरल एलोवेरा जेल कोई भी एक यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एलोवेरा जेल ले लिया है एंड अभी हमने सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। ये क्रीम रात को सोने से पहले आपने अपनी फुल बॉडी पर मसाज करनी है इससे, और ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव है गाइस, आपके कॉम्प्लेक्शन को सिर्फ 3 से 4 दिन में ही लाइटन कर देगी, ग्लो तो इतना ज्यादा बढ़ा देगी कि आपको हैरानगी होगी अपनी स्किन के ग्लो को देखकर। क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें ऑलमोस्ट इसके अंदर ऐड की हैं, इसमें से रॉ मिल्क आपकी स्किन को क्लींजिंग के लिए हेल्प करेगा और जो अदर मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स यानी कोकोनट ऑयल और एलोवेरा ऐड किया है वो तो आपके स्किन में एक बहुत ही अच्छे ग्लो को ऐड कर देंगे। जस्ट हमने इसमें इस रेमेडी में मिक्सिंग बड़ी अच्छी तरह से करनी है, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स करके एक क्रीम की तरह आपको इसे कंसिस्टेंसी में ले आना है। और ये देखिए हमारी ये जो लफी लफी सी क्रीम है कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स इस क्रीम को ना आप फ्रीज के अंदर 3 से 4 दिन तक एटलीस्ट बड़ी आराम से यूज कर सकते हैं रखकर, बट अगर आप फ्रेश बनाते हैं तो फ्रेश बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 3 चीजों के साथ मिलकर बन जाती है रेमेडी और अपनी फुल बॉडी पर, एल्बोज पर, लेग्स पर आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। अप्लाई करने का तरीका कुछ इस तरह से है, पूरी बॉडी पर या फिर जहां जहां भी आपने इस रेमेडी को अप्लाई करना है, चेहरे पर आपने अप्लाई करना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता वॉश करने के लिए, बस आपको इस तरह से मसाज करनी है और जब तक ये चीजें आपकी स्किन में डीपली ऑब्जर्व नहीं हो जाती, डीपली तरीके से आपकी स्किन की बड़ी अच्छे से क्लींजिंग नहीं करती, तब तक आपने इस रेमेडी को अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर मसाज करना है। जैसे आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे ना तो टैनिंग धीरे धीरे से आपके स्किन से कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आप किसी टिश्यू पेपर के साथ अपनी स्किन को साफ कर लीजिए और बस यही प्रोसेस आपने
लगभग 7 दिन तक जरूर से रिपीट करना है। बट अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं ना, तो आपकी स्किन चांद की तरह चमक जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसे रेगुलर यूज कर लें तो इसके मुकाबले पर कोई भी क्रीम, कोई भी महंगा फेशियल आपको इससे ज्यादा अच्छा और इफेक्टिवली रिजल्ट नहीं दे सकता। ये इतनी ज्यादा जबरदस्त है, सो जरूर ट्राई करके देखिएगा ये होममेड नाइट क्रीम, जो कि आपको सर्दियों में स्पेशली जरूर ट्राई करनी चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।